तो ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे थे मिनरल्स वाला चैप्टर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, तो स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय ज्योग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। जो पृथ्वी विज्ञानी हैं वो मिनरल्स की स्टडी करते हैं, ज्योग्राफर स्टडी, जियो का मतलब होता है अर्थ, अर्थ तो अर्थ को स्टडी करने वाले जो हैं, मिट्टी को स्टडी करने वाले, स्टडी मिनरल्स एज पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंड फॉर्म्स। तो लैंड फॉर्म्स की बेटर समझ के लिए वो इसको मिनरल्स को खोजते हैं, उनको समझते हैं, उसकी उसकी संरचना को देखते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल सोर्सेज एंड एसोसिएटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑफ इंटरेस्ट टू ज्योग्राफर्स। तो उनको ज़्यादा करके ये चाहिए होता है कि वहाँ उनसे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या कर सकते हैं मिनरल से। ये जियोलॉजिस्ट हाउएवर इज़ इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। तो जियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मिनरल्स की रचना देखते हैं कि वो कैसे, किन कौन कौन से एलिमेंट से बनी है, देयर एज एंड फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, उसके अंदर कौन से रेशो में भौतिकली भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से किस कंपोजिशन में मिनरल्स जो हैं वो बने हैं। हाउएवर द जनरल एंड कमर्शियल पर्पस मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। तो नॉर्मली जो है मिनरल्स को हम इस तरह से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो मिनरल जो है मेटालिक हैं उनमें आते हैं फेरस कंटेनिंग और नॉन फेरस और प्रीशियस। जो फेरस कंटेनिंग है उसमें आयरन है, एग्जाम्पल है आयरन ओर, उसमें मैगनीज, निकल और कोबाल्ट एट्सेट्रा है जो फेरस कंटेनिंग है। और उसके बाद नॉन फेरस में आते हैं एग्जाम्पल कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है, लेड का बैटरी में उपयोग होता है, कॉपर का तारों में उपयोग होता है। तो ये नॉन फेरस मेटल्स हैं। और ये हैं प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लाटिनम, जो महंगे मेटल्स हैं। और नॉन मेटालिक जो होते हैं उसमें एग्जाम्पल है माइका, साल्ट, पोटाश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। और एनर्जी मिनरल्स हैं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये भी अर्थ से निकलते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टू मेक द एक्सट्रैक्शन कमर्शियली विजिबल वायबल। मतलब वो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो मिनरल्स का अध्ययन करते हैं जिससे उनकी जो मेटलिक और नॉन मेटलिक जो भी उसमें मिनरल्स हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्शन किया जाए जो कमर्शियली हमें लाभ हो। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर और इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज एंड विद विच मिनरल्स और अ मे बी माइंड। यानी कि जिस मिनरल से कोई भी धातु जो है आसानी से और सस्ते तरीके से निकाली जाए उसको उस मेटल का ओर कहा जाता है। तो मिनरल ओर जो हैं उनको हम फिर निकाल सकते हैं, ज़मीन से मतलब निकालने का खर्चा उठाना पड़ेगा। तो अगर जो खर्चा ज़्यादा हो गया और मिनरल से उतनी मेटल हमें नहीं मिली तो वो महंगा पड़ता है। दिस ऑल्सो डिटरमिन्स द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, यानी उसको अलग करने से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितना खर्चा आएगा वो भी उससे पता चलता है। इट इज़ देयर फोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशंस इन विच मिनरल्स अगर, तो वो कौन सी संरचनाएं हैं जिसमें वो मिनरल जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। मिनरल जनरली अकर इन दीज फॉर्म्स, तो मिनरल जो होते हैं वो इस हालत में मिलते हैं। इग्नियस रॉक्स जो होती हैं और मेटाफॉर्मिक रॉक्स होती हैं। इग्नियस रॉक्स होती हैं जैसे ज्वालामुखी के पास में जो रॉक्स होती हैं जो पिघलने, लावा के पिघलने से जो उसमें मेटल्स होते हैं उसके अंदर जो होता है वो इग्नियस रॉक्स होती हैं। और लावा जहाँ बहता है उस जो जिस मिट्टी के ऊपर या जिस चीज़ के ऊपर वो पड़ता है तो उसको परिवर्तित कर देता है, तो वो परिवर्तित चट्टानें होती हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मिनरल्स वहाँ पर मिलते हैं, क्रैक्स में मिलते हैं।
क्रेवाइसेस, फार्ड्स और जॉइंट्स होते हैं जहाँ पर, वहीं पर मिनरल मिलते हैं। द स्मॉलर अकरेंसेज आर कॉल्ड वेन्स, जो जहाँ थोड़ी मात्रा में मिनरल मिलते हैं उसको वेन्स कहते हैं, और जहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं उनको लोड्स कहा जाता है। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल इन लिक्विड मोल्टन एंड गैसेस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू कैविटीज टूवर्ड्स द अर्थ सरफेस। जमीन के अंदर से ये जो मिनरल हैं, मेटल जो हैं, पिघली हुई हालत में और गैस के रूप में जो स्थान है बीच में वॉल्केनो वाला, उसको हम कैविटीज़ कहते हैं, वहाँ से जे नीचे से फोर्स के द्वारा धक्का लगा के अर्थ सरफेस पर पहुँचते हैं। दे कूल, वहाँ पर वो ठंडे होते हैं, एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज, जैसे ऊपर आ जाते हैं तो वो बाद में ठंडे होने के ऊपर जम जाते हैं। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टिन, कॉपर, जिंक एंड लेड एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। तो टिन और कॉपर, तांबा, जिंक, जस्ता, लेड, सिक्का, ये सब जो हैं वेन्स और लोड्स में मिलते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये दो तरह की रॉक्स मैंने पहले बताई आपको, एक इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तीसरी किस्म की रॉक्स जो होती हैं इनको तलछटी चट्टानें कहते हैं, जैसे जो मिट्टी बहने के बाद जो धरती के ऊपर की सरफेस के ऊपर जो चेंजेस आती हैं उसके बाद में ये रॉक्स बनती हैं। समुद्र की तली में रॉक्स होती हैं। मिनरल्स अगर इन बेड्स और लेयर्स में, वहाँ पर मिनरल मिलते हैं, ज़्यादा करके ये नॉन मेटलिक होते हैं। दे हैव बिन फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन, कमुलेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन इन हॉरिजेंटल स्ट्राटा। तो सीधा जमीन के ऊपर तय रूप में जमते हुए ये जो मिनरल हैं यहाँ पर जमते हैं। यहाँ पर होता है कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन और ओर हैव बिन कॉन्सेंट्रेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पीरियड्स अंडर ग्रेट हीट, बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी के से होता है, देर तक गर्म रहने से एंड प्रेशर की वजह से। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटाश, साल्ट एंड सोडियम साल्ट। यानी ये हम यहाँ से यहाँ ऊपर तक पढ़ रहे हैं। मिनरल्स आर यूजली फाउंड इन ओर्स, ओर का मतलब होता है जहाँ, जिसके ये टर्म जो है आर इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्युमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट्स। तो जब मिनरल जो दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़े होते हैं, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि ओर जो होता है वहाँ पर जिस मिनरल में कोई भी एलिमेंट ज़्यादा मात्रा में होता है और उसको एक्सट्रैक्शन करना आसान होता है और ईजी होता है और सस्ता पड़ता है, उसको उसका ओर कहते हैं। मिनरल कंटेंट ऑफ ओर मस्ट बी, उसमें मात्रा जो होती है मेटल की सफिशेंट मात्रा में होती है तो उसमें से वो निकाल सकते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में सोडियम साल्ट होता है। दीज आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ एवेपोरेशन एस्पेशली इन एरिड रीजन्स। तो जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है वहाँ पर सूखने से, पानी सूखने से एवेपोरेशन के बाद नीचे जो साल्ट है वो बच जाता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में फंस जाता है। तो दूसरा जो तीसरा है, नदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। तो सरफेस रॉक्स जो है टूटती हैं, उनके टूटने से मिनरल्स अलग अलग होते हैं, एंड द रिमूवल ऑफ सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसमें घुलने वाले जो सब्सटेंस है वो उसमें से अलग हो जाते हैं, लीविंग ए रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटीरियल। तो मौसम के द्वारा खंडित जो मास है वो पीछे रह जाता है, कंटेनिंग ओर्स, उसमें बॉक्साइट इसमें इस तरह से बनता है जहाँ से हम एल्युमिनियम को निकालते हैं। फोर्थ में आता है, कंटेन्स मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स एंड वैलीज, फ्लोर एंड द बेस ऑफ हिल्स। मतलब पहाड़ों से चट्टानें बहती हुई नीचे पानी के साथ आती हैं, तो उसके डिपॉजिट्स में जो घाटी के फर्श पर और बेस ऑफ हिल्स में ये मिलते हैं। दे डिपॉजिट्स, दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड प्लेसर डिपॉजिट्स एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट क्रोडेड बाई वाटर। ये जो ऐसे मेटल होते हैं, जो ऐसे मिनरल्स होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, तो वो गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग सच मिनरल्स। तो फिफ्थ में है, द ओशन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स। तो समुद्र के पानी में भी बहुत सारे
मात्रा में मिनरल्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज्ड, वो अलग अलग मात्रा में होते हैं, दूर दूर होते हैं, टू भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस उनकी नहीं होती, आर्थिक महत्व उनका नहीं होता, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। हाउएवर कॉमन साल्ट, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन आर लार्जली ड्राइव्ड फ्रॉम ओशन वाटर, समुद्र के पानी से। ये कॉमन साल्ट जो है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, जहाँ फिर ब्रोमीन है, ये वाले जो सब्सटेंसेस हैं वो समुद्र के पानी से प्राप्त होते हैं। तो ओशन बेड्स टू आर रिच इन मैग्नीज नोड्यूल्स, जो हैं उसमें मैग्नीज भी ज़्यादा है। रैट होल माइनिंग, रैट होल माइनिंग का मतलब नीचे को सीधा, डू यू नो दैट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया आर नेशनलाइज्ड एंड देयर एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जो भी माइनिंग होती है, जो भी मिनरल निकालने होते हैं, उसके लिए हमें सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो नॉर्थ ईस्ट भारत के बहुत सारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, मिनरल्स आर ओन्ड बाई इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज, तो वहाँ के मिनरल जो हैं लोगों द्वारा, उनकी मलकियत है, वो मिनरल जो हैं लोगों के और कम्युनिटी के उनकी मलकियत है। इन मेघालय देर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, मेघालय में बहुत सारा कोल का भंडार है, आयरन ओर का है, लाइमस्टोन का है, डोलोमाइट एट्सेट्रा। कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चिरापुंजी इज डन बाई फैमिली मेम्बर्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग नैरो टनल नोन एज रैट होल माइनिंग। तो घरेलू लोग जो होते हैं वहाँ से अपने लिए निकालते हैं और उसको फिर बेचते हैं चिरापुंजी आदि में। वहाँ पर वो लोग लंबी एक जैसे चूहा सीधी गड्ढा खोदता है, अंदर अंदर सुरंग बनाता है, वैसे सुरंग बना के वहाँ से मिनरल जो हैं वो निकाले जाते हैं। ये पेज 52 है आपका, ठीक है, 52 पेज पर हमने पढ़ाया जब।